हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। 10th क्लास के लिए उड़ान बैच की तरफ से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ा और बार मैग्नेट को डिस्कस किया। उसके बाद सेकेंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल डिस्कस किया और उसकी एप्लीकेशंस को देखा। आज बारी है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ने की। ये राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का था, ये लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग्स का। ठीक है, ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, तो कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि बहुत सारे रूल आते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करेंगे और मोटर डिस्कस करेंगे। मोटर बड़ा अवेटेड टॉपिक होता है, बच्चे के सिर के साइडों से निकलता है ये, उसकी मोटर घूम जाती है जब वो मोटर का नाम सुनता है। तो ठीक है ना, तो आराम से इसको डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो, ठीक है, लेकिन बने रहिए। हाँ जी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस होगा, एप्लीकेशंस देखी जाएंगी, कहां कहां लगती है, स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे यूज होता है, मूविंग चार्ज में कैसे यूज होता है। ठीक है, और ये वाला टॉपिक है चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ स्टेट कंडक्टर, 3 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी सिंगल मार्क का पूछ लेता है बोर्ड के अंदर, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेंगे इसको डिस्कस और मोटर को डिस्कस करेंगे। तो मोटर पर तो बड़ी बात करनी ही है हमने। ठीक है जी, हाँ जी, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ऐसे बनाना है आपने, फिजिक्स का स्वैग सिंबल है, इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, ये जो मोटा वाला है इसको थंब बोलते हैं, अंगूठा, ठीक है ना, और ये जो फिंगर है ये इंडेक्स फिंगर होगी और ये हो गई मिडल फिंगर। ठीक है ना, तो थंब, इंडेक्स और मिडल, ये 3 फिंगर को आपने यूज करना है, इसको परपेंडिकुलरली रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये इससे 90 डिग्री पर, ये इससे 90 डिग्री पर और ये इससे 90 डिग्री, मतलब तीनों 90 डिग्री पर होंगी। ये एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, एक जेड एक्सिस होगी, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये 3 एक्सिस बनानी है आपको अपनी उंगलियों से, इस तरीके से आपने ये फिजिक्स का स्वैग सिंबल निकालना है। ठीक है जी, आया समझ में। इसको आप समझते हैं कि कहां लगता है, ये कहां लगता है। कह रहा है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स की दिशा को बताने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है फोर्स की दिशा को बताने के लिए। ठीक है, कब, जब आपको पता हो करंट की डायरेक्शन, जब आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता हो और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता हो। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये हो क्या रहा है, कब लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है। देखो होता क्या है, होता ये है कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इमेजिन करो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने एक वायर रख दी परपेंडिकुलरली, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, और ऐसे मैंने उसके अंदर ला करके एक वायर रख दी जिस वायर में करंट चल रहा है, करंट मूव करना जरूरी है, चार्ज का चलना जरूरी है। ठीक है ना, मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगती है, तो ये जो करंट कैरिंग वायर है ना इसके ऊपर फोर्स लगेगी बेटा। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, लॉरेंट्स फोर्स आगे जाकर के पढ़ाया जाता है इसको 12th क्लास के अंदर, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जाता है तब मैग्नेटिक फोर्स का, वो सब नहीं है सिलेबस में, एनटीएससी में तो है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन। ठीक है ना, तो हम लोग अभी एनसीईआरटी बोर्ड को ही डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, इसलिए सिर्फ भाषाओं की बातें हो रही है यहां पर। ठीक है, फीलिंग ले रहे हैं बस, मैथमेटिकली चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पता चलेगी अगर आपको करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो तब। ठीक है, अब ये क्या बात हुई, ये जो 3 उंगलियां थी ना आपकी, ये एक अंगूठा और ये 2 उंगलियां, इसमें से आपको देखो डिनोट कैसे करना है, अब कैसे समझना है। ये जो अंगूठा है ये मोटा है, इसका नाम है फादर, ये पापा है, ये फादर है। ठीक है ना, ये हो गया फादर जो मोटा सा है, ये हो गई मदर, ये फादर, ये मदर और ये चाइल्ड। ये तरीका है इसको याद करने का, फादर मोटा, मदर उससे उसके बाद, और बच्चा लंबा हो जाता है ना, आजकल बच्चे पेरेंट्स से लंबे निकलते हैं, तो ये बच्चा हो गया, चाइल्ड हो गया। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, FMC, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इस तरीके से तीनों फिंगर्स डिटरमाइन होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से तीनों फिंगर को हमने नाम दे दिया, इसको फादर दे दिया, इसको मदर दे दिया, इसको चाइल्ड दे दिया, इसको फोर्स दे दिया, एफ से फादर, एफ से फोर्स, म से मदर, म से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। ठीक है ना, तो ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, करंट का मतलब ऐसे करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तो मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी और फिर फोर्स लग रही होगी आपकी तरफ, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी अभी और। ठीक है ना, देखो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब इसकी स्टेटमेंट है, अगर कोई आपसे पूछे बोर्ड के अंदर स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपने ये लिख के आना है,
क्या? When a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, the conductor experiences a force which is mutually perpendicular to both magnetic field and current. ठीक है, वही बात जो मैंने अभी आपसे बोली कि अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ को, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां एक नॉर्थ पोल रखा हुआ, यहां एक साउथ पोल रखा हुआ और ऐसे फील्ड निकल रही है, उसमें अगर आपने कोई वायर ला करके रख दी, कोई वायर ला के टिका दिया आपने ऐसे करके इसको, ठीक है ना, तो इस पर फोर्स लगने लगेगी और वो जो फोर्स होगी ना वो दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, यानी या तो वायर आपकी तरफ चली जाएगी या वो वायर मेरी तरफ आ जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी और करंट ऐसा या ऐसा, तो फोर्स आपकी तरफ या मेरी तरफ, ऐसे है, ये तीनों 90 डिग्री पर होंगे। आएगा भी और समझ में, और समझेंगे इसको भी, ठीक है ना, डायरेक्शन की बात तो हमने और करनी ही है, ठीक है जी। तो ये देख लो, ये देख लो, जैसे ये उंगलियां बनी हुई, वैसे मैंने अपनी उंगली बना दी, अपना हाथ भी ऐसे ही बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये इंडेक्स फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको मदर बोल रहा था मैं, मदर है ना, ये फोर्स है फादर, और ये चाइल्ड है, जो मिडल फिंगर है वो चाइल्ड है, समझ गए ना। तो मदर फादर और चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे रखा हुआ है इसको, ठीक है। तो अगर आपको ये और ये नोन है तो आप इसकी डायरेक्शन निकाल लोगे इससे अंगूठे से, ठीक है ना। अगर आपको करंट भी पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी पता है और आपको करंट भी पता है, तो आप फोर्स निकाल लोगे। ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमको क्या बताता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को यह बताता है कि अगर आपको करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नोन है, पता है पहले से, तो आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल लोगे भाई, ठीक है ना, ये दिखा रहा है ये। अब जैसे मान लो इस एक सर्किट की बात कर लेते हैं, यही से समझना शुरू करते हैं इसको, ठीक है, इस सर्किट की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर एक नॉर्थ पोल है ना, यहां एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है ना। तो नॉर्थ और साउथ की जो फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी भाई, नॉर्थ से निकल रही होगी और साउथ में जा रही होगी, हाँ या ना, है ना, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में ऐसे जा रही होगी, ईस्टवर्ड फील्ड होगी इसकी, समझ रहे हैं ना, ईस्टवर्ड फील्ड होगी इसकी। और करंट कैसे जा रहा है? करंट जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है ऐसे नीचे 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 नीचे, ठीक है। तो आइए लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और देखते हैं कि इस तार पर कहां फोर्स लगेगी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ लगाओ, देखो जरा, फील्ड किस तरफ है भाई? उस तरफ। मैं इस तरफ उंगली निकाल दूंगा, ये वाली फील्ड की उंगली होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मां मदर, मैंने इस तरफ निकाल दी। चाइल्ड कहां है? करंट कहां है? करंट नीचे है, ये रहा। अपने आप अंगूठा बता देगा कि फोर्स कहां लग रही है, बाहर की तरफ, आपकी तरफ, स्क्रीन से बाहर आ जाएगी ये तार जो है, ये जो वायर है ना, ये स्क्रीन से वायर ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे पलट जाएगी, ये बाहर निकल के आ जाएगी। तो इसके ऊपर फोर्स कैसी लगेगी? अगर यहीं पर इसको सॉल्व कर दूं मैं, अगर मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर दूं तो फोर्स कैसी लगेगी? मैं बोलूंगा जी फोर्स लग रही है आउटवर्ड। आया समझ में? आया समझ में? फोर्स कैसी लग रही है? आउटवर्ड्स, आपकी तरफ ये तार बाहर निकल के आएगी। तो ये तरीका है इसको समझने का, करने का, बस यही करना है आपने इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते और प्रैक्टिस करते थोड़ी सी। अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर ही था, फिर भी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो जरा ये इमेज को, देखो आप ये इमेज को, देखो आप, इसमें करंट जा रहा है उधर, दिखाता हूं, करंट उधर जा रहा है, ये डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, और अंदर जा रहा है, और अंदर जा रहा है, ये करंट की दिशा है, ओके। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। आओ फील्ड की उंगली निकाले, ये आ गई फील्ड की उंगली, ये फील्ड वाली उंगली होती है ना, ये ऐसे निकाल दी मैंने, इस तरफ निकाल दी, ठीक है। करंट कहां है भाई? करंट तो अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है, तो ये वाली उंगली करंट की होती है, मिडल फिंगर, इसको ऐसे कर दूंगा, आप रिस्ट को ट्विस्ट करोगे, ये नहीं करना कभी भी, ये कर दिया तो मामला खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं करना कभी भी, ये हाथ ऐसा ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा बिल्कुल, ये इसको नहीं आपने चेंज करना, बस आप रिस्ट को ट्विस्ट कर सकते हो, यही अलाउड है करना, ठीक है ना। ये ना कर देना कि ऐसे करके ऐसे कर दो इसको, जी समझ नहीं आ रहा मैं तो ऐसे कर दिया इसको, ऐसे ही रखना है आपने अपने हाथ को, ये तीनों फिंगर ऐसे रहेंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसको यू यू नहीं करना कभी भी, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, ये कलाई बदल सकते हो बस आप, कलाई को आप
चेंज कर सकते हो। तो फील्ड वो थी, करंट बाहर नहीं आ रहा भाई, करंट तो अंदर जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट। तो फोर्स कहां लग रही है बेटा? फोर्स लग रही है नीचे। देखो मोशन लिखा हुआ वहां पर, मोशन का मतलब फोर्स ही है, मोशन से और कुछ मत समझना यार, मोशन का मतलब फोर्स ही है, ठीक है। तो फोर्स कहां लग रही है? फोर्स लग रही है नीचे। देखो हरे वाला सिंबल भी नीचे की तरफ बना रखा है, तो साउथ डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, हाँ या ना? करंट इनवर्ड्स है ऐसा बोलेंगे, ठीक है। करंट है इनवर्ड्स, करंट इनवर्ड्स है। फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ईस्टवर्ड है, ये ईस्ट की दिशा होती है, वो देखो बना रखा है मैंने आपके देखने के लिए भाई, जब मर्जी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो वहां देख लेना, ठीक है। ईस्ट की तरफ फील्ड है ना। और मोशन कहां हो रहा है बेटा? मोशन हो जाएगा साउथवर्ड, यानी अपने आप ही ये तार ना नीचे गिर जाएगी, वैसे भी गिरनी थी अंडर ग्रेविटी, लेकिन यहां अंडर ग्रेविटी नहीं गिरेगी, झटक के नीचे गिरेगी, और ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगी, ऐसा समझ लो, फ्री फॉल नहीं करेगी और तेजी से नीचे गिरेगी, ठीक है ना। क्योंकि इस पर फोर्स भी एक और आ गई, मैग्नेटिक फोर्स आ गई, एक और फोर्स आ गई, समझ गए बात को। तो ये सिस्टम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लो जी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, देखो ये यूज करते हैं, रेडी यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है। देख बेटा नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है, फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलती है साउथ में घुसती है, जानते हो आप इस बात को, है ना। जहां से फील्ड निकलती है उसको नॉर्थ कहते हैं, और जहां फील्ड घुस जाती है उसको साउथ कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस तरफ को फील्ड दिखा दी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो हाँ या ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मैग्नेटिक फील्ड ईस्टवर्ड नहीं है? क्या मैग्नेटिक फील्ड ईस्टवर्ड नहीं है? है। करंट कहां है? करंट इनवर्ड है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। देखो मैं मतलब ये 2D फिगर है बेटा, आप समझो बात को, मतलब इसको 3D समझना, करंट कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, सही बात है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और फोर्स बताएंगे, लेबल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फोर्स बताते हैं, ठीक है ना। करंट अंदर जा रहा है, करंट वाली उंगली होती है, पहले फील्ड की उंगली निकाल लो, फील्ड वाली उंगली उधर आ गई, ये फील्ड की उंगली है, ये उधर निकाल दी मैंने, निकाल दी, इधर निकाल दी। करंट कहां है भाई? करंट तो अंदर जा रहा है, फोर्स कहां लगेगी? अपने आप बता रहा है अंगूठा, करंट अंदर, फील्ड उधर, फोर्स लगेगी नीचे, यानी ये तार नीचे गिर जाएगी, ये तार कुछ ऐसे गिर जाएगी और नीचे की तरफ क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। ये तरीका है। अगला वाला करते हैं। देखो जी नॉर्थ से साउथ फील्ड 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 चल रही है ना। फील्ड वाली उंगली निकालो, निकाल दी। करंट कहां है इस बार? करंट बाहर आ रहा है, तो ये वाली जो उंगली है, ये वाली जो उंगली है, वो नीचे रखूं क्या, ऐसे रखूं क्या? ऐसे रखना पड़ेगा, आपकी तरफ, आपकी तरफ, टुवर्ड्स यू। तो करंट किस तरफ आ रहा है? आपकी तरफ आ रहा है। बताओ फोर्स कहां लग रही है? फोर्स लग रही है ऊपर, है ना। फोर्स कहां लग रही है? ऊपर लग रही है। फील्ड उधर है, करंट आपकी तरफ, फोर्स लग रही है ऊपर, इसलिए हम लोग फोर्स को अपवर्ड दिखाएंगे या नॉर्थवर्ड दिखाएंगे, कुछ भी कह लो, फोर्स ऊपर लग रही है। आया समझ में? नेक्स्ट करो ट्राई। फील्ड किधर? नॉर्थ से साउथ, ऐसी 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 फील्ड है, इधर आना पड़ेगा मेरे को, है ना, नहीं तो मेरा कलाई मुड़ी जाएगी भाई मेरी। इधर है फील्ड, करंट कहां है? ये फील्ड वाली उंगली थी ना, करंट कहां है? करंट तो अंदर है, करंट तो अंदर है, अंदर की तरफ मोड़ दिया हाथ को, ये करंट वाली उंगली थी, इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया, फील्ड उधर है, करंट अंदर है, फोर्स लग रही है ऊपर, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, समझ में आया? ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। तो बेटा आपने पता है क्या करना है, आपने इस स्क्रीन का सहारा नहीं लेना, आपने इस स्क्रीन से सीख करके अपनी कॉपी पर ड्रॉ करके फिर काम करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि आप अल्टीमेटली कॉपी पे आंसर लिख के आने वाले हो, अपने बोर्ड पे ऐसे ऐसे करते रहोगे तो कॉपी में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। तो मेरी बात मानना, पॉज करना, पॉज करके अपनी कॉपी पर छापना इसको पहले, ठीक है, बिना फील्ड वील्ड के सबके इसको छापना, छाप के ट्राई करना कॉपी के ऊपर, समझ गए? आंसर तो वही आना है, अपवर्ड डाउनवर्ड नॉर्थ साउथ, आंसर तो वही आना है ना। सीख यहां से लो, प्रैक्टिस अपनी कॉपी पे करना है लेकिन, ठीक है ना, एक्सपीरियंस से ये चीज आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है नॉर्थवर्ड। नेक्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं, सभी को डिस्कस करने वाला हूं भाई मैं, छोड़ता नहीं हूं किसी को भी। नॉर्थ से साउथ जा रहा है,
फील्ड 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 फील्ड, करंट कहां है? करंट तो अंदर है। अरे ये और ये तो सेम ही है। चलो बढ़िया हो गया, ये और ये तो सेम ही है, तो फोर्स कहां लगेगी? नीचे ही लगेगी, है ना। नहीं यकीन होता करके देख लो, फील्ड उधर, फील्ड इधर और करंट अंदर। ये करंट वाली उंगली है, ये वाली करंट की उंगली अंदर चली गई। फील्ड इधर है, करंट की उंगली अंदर चली गई। अपने आप फोर्स कहां दिखा रहा है? नीचे दिखा रहा है, तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगी। आया समझ में? आया समझ में? अब ये 2D आ गई, ये 3D थी तो ये 2D आ गई, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, इसकी फील्ड पहले तो दिखा लेता हूं मैं। अच्छा अब इमेजिन कर लेना भाई, यहां पर एक साउथ पोल है, मैं बना ही देता हूं। चलो यार ठीक है, इमेजिन कर लो यहां पर एक साउथ पोल है और इमेजिन कर लो यहां पर एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। और फील्ड कैसी होगी बेटा मेरे? फील्ड तो नॉर्थ से साउथ, नीचे की तरफ साउथवर्ड होगी। नीचे नीचे नीचे, यहां कैसी होगी? ऊपर ऊपर ऊपर, साउथ में घुस रही होगी ना, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, ठीक है। आओ इस पर लगाते हैं इस पर लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फील्ड है नीचे, उंगली नीचे, ये वाली उंगली है ना, उंगली नीचे, ठीक है। आंख नीचे, नहीं आंख खोल के रखना, आंख नीचे मत करना, ठीक है। उंगली नीचे, ओके, क्योंकि नीचे फील्ड है, बरस रही है, टपक रही है, तो ऐसा समझो बरस रही है फील्ड ऊपर से, है ना। तो ये बरस रही है नीचे की तरफ, ठीक है। करंट किधर? करंट उधर है, करंट उधर है। तो ये उंगली ठीक निकाली क्या? ये करंट वाली उंगली ठीक निकाली क्या? घी निकल जाएगा इससे क्या? टेढ़ी उंगली कर ली से घी निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, है ना। ऐसे करना पड़ेगा, मैं उधर से घूम ही जाता हूं, ऐसे करता हूं। अब देखो फिट बैठ रहा नहीं बैठ रहा? फील्ड नीचे, करंट मेरी तरफ, अंगूठा बताएगा फोर्स कहां लग रही है। बोलो अंगूठा कहां है? अंगूठा तो अंदर की तरफ है, अंगूठा तो अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। फोर्स होगी इनवर्ड्स, ठीक है। क्या लिखूंगा कि फोर्स कहां है जी? फोर्स कहां है जी? फोर्स तो अंदर है, अंदर को इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। और आपको इनवर्ड्स का भी सिंबल बताता हूं मैं अब, क्योंकि अभी आई गई है तो बच नहीं सकता मैं इससे, बताना ही पड़ेगा मुझे आपको। ये 12th क्लास के अंदर जाते हैं थोड़ा सा और डुबकी मार के वापस आते हैं, सिर्फ डुबकी मार के वापस आना, पूरा नहाना नहीं है, एक बार डुबकी मारी वापस आ गए, ठीक है। एक्स से डिनोट करते हैं बेटा इनवर्ड्स डायरेक्शन को, एक्स से, क्रॉस से, ठीक है। क्रॉस से डिनोट करते हैं इनवर्ड डायरेक्शन को, आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखना, याद रखना, जैसे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आउटवर्ड इनवर्ड। कोई चीज आपसे दूर जा रही होगी, क्रॉस, तीर छोड़ो और तीर को पीछे से देखो जाते हुए, वो आपको क्रॉस सा दिखेगा ऐसे बना हुआ, है ना। और तीर आगे से अगर आपके पास आ रहा होगा तो पॉइंटेड आपकी तरफ आ रहा होगा, तो पॉइंट से आपकी तरफ और क्रॉस से आपसे दूर, ठीक। तो इनवर्ड्स मतलब क्रॉस। ये तार जो ऐसे पड़ी है ना इस मैग्नेट के बीच में, ये अंदर खिसक जाएगी, ऐसे तार पड़ी है ये अंदर चली जाएगी ऐसे, ठीक है ना, अंदर की तरफ फोर्स लग जाएगी इसके ऊपर। इसको देखो जरा, नॉर्थ से साउथ ऊपर है ना, फील्ड कैसी? ऐसी, ठीक है ना, फील्ड ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और करंट ऐसे देख लो, चेक कर लो, छठे वाला कर रहा हूं वो वाला, करंट ऐसे, फील्ड ऊपर, अंगूठा किस तरफ है भाई? अपने आप बता रहा है, लेफ्ट हैंड रूल लगा के बताना, अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है तो मतलब आउटवर्ड है, तो फोर्स कैसी? आउटवर्ड, आउटवर्ड्स फोर्स है। आउटवर्ड्स फोर्स मतलब डॉट से डिनोट करेंगे इसको, डॉट से, ठीक है, इसको क्रॉस से, इसको डॉट से। अब कहीं पर भी आपको अगर क्रॉस 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 बहुत सारे बने हुए दिखते हैं तो इसका मतलब अंदर की तरफ कुछ जा रहा है, और अगर आपको डॉट 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 बहुत सारे दिखते हैं तो इसका मतलब आपकी तरफ कुछ आ रहा है। इस तरह से वेक्टर के, वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वेक्टोरियल फील्ड है ना, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब ऐसा है भाई, खाली करंट कैरिंग वायर पर ही फोर्स लगेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मूविंग चार्ज पर फोर्स लगने की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगती है। ये और अंदर की बात है, ये और डेप्थ वाली बात है कि जब चार्ज चलता है, जब चार्ज चलता है तो अपनी फील्ड तो बनाता ही है। अब उस फील्ड के साथ एक एक्सटर्नल फील्ड और लगा दूंगा तो दखल होगा या नहीं होगा? उसके काम में दखल दे रहा हूं या नहीं दे रहा? उसको रिपल्शन, उसको अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? खुद सोचो, खुद सोचो। ऐसा ही वहां पर भी हो रहा था करंट वाले केस में भी, ये भाई एक करंट कैरिंग वायर थी,
आपको पता है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, गोल 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 गोल, अगर ये वायर है तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, उसकी बात यहां नहीं कर रहा, होती है वो होगी ही, उसकी बात यहां नहीं कर रहा, एक एक्सटर्नल फील्ड और लगा दिए, एक बाहरी फील्ड और लगा दिए, एक्सटर्नल फील्ड और लगा दिए, तो मुझे बताओ ये दोनों फील्ड आपस में दखल अंदाजी करेंगी नहीं करेंगी? सुपर इंपोजिशन बोलते हैं इसको 12th क्लास के अंदर, दखल देने को, इंटरफेरेंस बोलते हैं इस चीज को, ठीक है ना? तो ये दोनों फील्ड आपस में सुपर इंपोज होती हैं और एक नई तरह की फोर्स बनाती हैं और वो फोर्स उस पर लगती है। ऐसे ही चार्ज के साथ भी होगा, जब चार्ज चलता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये बात हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। जब चार्ज चलता है, मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिज्म, अपना चार्ज, वो जो चार्ज है वो खुद में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैंने एक्सटर्नली और लगा दी, तो बताओ दखल होगा या नहीं होगा? होगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, कुछ तो होगा, है ना? उसी को पढ़ना है हमने यहां पर, ठीक है, उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड रूल मूविंग चार्ज में कैसे लगता है और फोर्स किस तरफ लगती है, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जरा देखो यहां पर एक इमेज आई है बेटा, एक इमेज आई है, एक पॉजिटिव इमेज आई है, एक नेगेटिव इमेज आई है, है ना? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहता हूं, यहां देखना जरा, इधर देखो, ऐसा है भाई, आपके सिलेबस में कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं और कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं और कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल पार्टिकल अगर फेंका जाएगा, यानी कोई चार्ज नहीं होगा, तो कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी जनरेट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उस पर दखल नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी तो फोर्स नहीं लगेगी। इन शॉर्ट, चार्जेस पर ही फोर्स लगती है, न्यूट्रल पार्टिकल्स पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, न्यूट्रल पार्टिकल्स पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल जब चलता है तो अपने आसपास कोई फील्ड नहीं बनाता जिससे कोई दखल नहीं होता, कोई दखल नहीं होता तो ना रिपल्शन ना अट्रैक्शन कुछ नहीं, सीधा निकल जाएगा वो, अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड निकल जाता है, ठीक है ना, बिना छेड़खानी के चुपचाप निकल जाता है न्यूट्रल पार्टिकल। अब न्यूट्रल पार्टिकल कौन कौन है भाई? आप न्यूट्रॉन को जानते हो ना, एक गामा पार्टिकल भी होता है, ठीक है, एक गामा पार्टिकल भी होता है, गामा रेज, तो गामा पार्टिकल भी न्यूट्रल है और न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल है, दोनों सिलेबस में आ सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव करंट पॉजिटिव होता है बेटा, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है बेटा, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है। अल्फा पार्टिकल याद करो, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्लास 9th चैप्टर नंबर 4, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट याद आ रहा होगा आपको, हीलियम 2+ चार्ज होता है, ये हीलियम 2+ पार्टिकल ही है, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इतना मत जानो, मत टेंशन लो इतनी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और एक ऐसा बीटा पार्टिकल भी होता है बीटा नेगेटिव, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव गामा न्यूट्रल, और यहां ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहां कोई नहीं है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव एंटिटीज करंट, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, नेगेटिव एंटिटीज इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रल एंटिटीज न्यूट्रॉन, गामा पार्टिकल। अब क्यों बता रहा हूं ये सब बातें? ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, और बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर प्रोटॉन चल रहा है, मान लो यहां से प्रोटॉन लिया, ऐसे फेंक के मारा, या अल्फा पार्टिकल लिया फेंक के मारा, तो इधर जा रहा है ना, मान लो ऐसे फेंका मैंने, इधर जाएगा ना, तो आपने वही डायरेक्शन करंट की भी माननी है, और फिर जब ये वाली उंगली यूज करोगे ना आप करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए, तो जो पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी, वही प्रोटॉन की डायरेक्शन होगी, वही अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन होगी, यह ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? इन सब की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी। अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे चल रहा तो करंट भी ऐसे चल रहा, तो प्रोटॉन भी ऐसे चल रहा, समझ गए? अब नेगेटिव पर आ जाओ। आपको पता है वायर के अंदर अगर करंट ऐसे जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं उल्टे, हां या ना? अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है, यह याद रहेगा? अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो करंट इधर आ रहा है, अगर बीटा नेगेटिव पार्टिकल उधर जा रहा है तो करंट इधर आ रहा है। इसलिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की बात करी जाएगी उधर जाते हुए की, तो आपने करंट वाली उंगली को ऐसे रखना है अपनी तरफ,
इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा होगा तो करंट वाली उंगली अपनी तरफ, प्रोटॉन उधर जा रहा होगा तो करंट वाली उंगली प्रोटॉन की तरफ ही, याद रखना। पॉजिटिव डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन करंट की उल्टी डायरेक्शन। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धैर्य बनाए रखो, आएगा समझ में, आएगा। अभी इसको डिस्कस करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। देखो जी, मैं एक फिगर बना रहा हूं यहां पर अपनी मनमर्जी की, ठीक है। देखो, यहां एक नॉर्थ पोल है, यहां एक साउथ पोल है, ठीक है। फील्ड कैसी चलेगी? आपने बोला सर नॉर्थ से साउथ चलेगी, है ना? कैसी चलेगी? नॉर्थ से साउथ, ये रही फील्ड, फील्ड 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 फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सही। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने इस फील्ड के अंदर ना, मैंने इस फील्ड के अंदर ना एक प्रोटॉन को छोड़ा, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किया मैंने एक प्रोटॉन को, ऐसे फेंक के मारा प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाने की कोशिश करेगा, जाएगा नहीं लेकिन, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगी, मैंने आपको बताया है ना। तो प्रोटॉन ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो आपने क्या करना पता है? आपने यह मान लेना यार प्रोटॉन वोटॉन जैसी कोई चीज नहीं है, करंट ही जा रहा है, करंट ही जा रहा है, क्योंकि करंट एक पॉजिटिव एंटिटी है और प्रोटॉन भी एक पॉजिटिव एंटिटी है, ऐसा समझ लो। आप करंट के अंदर कन्वर्ट कर लो उस चीज को, ऐसा समझ लो। नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूं ये बात, ठीक है ना, कि प्रोटॉन का इधर जाना मतलब करंट का इधर जाना। अब करंट ऐसे है, ये देख, ये करंट वाली उंगली है, हाँ या ना, और फील्ड वाली उंगली कैसी है? नीचे। बोलो फोर्स क्या लग रही है? अंदर लग रही है ना, हाथ पूरा मुड़ गया मेरा, फोर्स क्या लग रही है? अंदर लग रही है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटॉन है ना, ये जो प्रोटॉन है ना, ये जाता जाता क्या करेगा? अंदर घुस जाएगा। ये मतलब ऐसे फेंका मैंने, मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाता हुआ ऐसे आ जाएगा, ऐसे जाता हुआ ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, फोर्स लगी ऐसे मुड़ जाएगा, अंदर की तरफ घूम जाएगा। ये ऐसा होता है, जैसे ये लोग घूम रहे ना, ऐसे ऐसे घूम रहे, ऐसे ये ऐसे जाता जाता अंदर घूम जाएगा। तो फोर्स क्या लगेगी? इनवर्ड्स, ऐसा बोलूंगा। वो मैंने निकाल के दिखाया आपको, नीचे कर ली फील्ड, उधर कर लिया करंट, उधर करंट कर लिया, नीचे फील्ड कर ली, अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। तो फोर्स क्या लगेगी? फोर्स लगेगी इनवर्ड्स। यहां लिख देता हूं कलर चेंज करके, ठीक है बच्चे। फोर्स लगेगी इसके ऊपर क्रॉस में, क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स होता है, हाँ या ना, क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स होता है ना। अब मैं क्या करता हूं, देख एग्जांपल नंबर टू लेता हूं। एग्जांपल नंबर टू में मैंने इस बार इलेक्ट्रॉन को फेंका अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन लिया फेंक दिया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया इसको, ठीक है ना। अब मैंने आपसे क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है, आपने उल्टा मानना है, ऐसे मानना है करंट को जाते हुए। बोलो नहीं आया क्या समझ में? ऐसे करंट जा रहा है, ये मानो ऐसे करंट जा रहा है। अब ऐसे करंट अगर जा रहा है, यानी यानी फील्ड तो नीचे है, ऐसे करता हूं, मेरी तरफ करंट आ गया, हाँ ठीक है, मेरी तरफ करंट आ गया, इधर आ गया, और फील्ड नीचे है, फील्ड नीचे बरस रही है, टपक रही है नीचे, करंट किस तरफ? मेरी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर फेंका, बीटा पार्टिकल उधर फेंका, तो करंट को आपने उल्टा मानना है, ठीक है, करंट को आपने उल्टा मानना है। तो करंट ऐसे आ गया मेरी तरफ, फोर्स कहां लग रही है बेटा? खुद बता, चल अंगूठा देख, तेरी तरफ आ रहा है अंगूठा, बाहर आ रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंकूंगा ना, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे फेंकूंगा ऐसे आ जाएगा आपकी तरफ, ये ठीक है ना, अंदर जाता 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 ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये बात है, ठीक है, फोर्स आउटवर्ड, समझे? इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लगेगी? आउटवर्ड, बाहर की तरफ लगेगी, आउटवर्ड फोर्स लगेगी इस पर, ठीक है बच्चों, बात आई नहीं आई समझ में? इसको देखो जरा, इसको देखो, देखो हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, ये जो क्रॉस 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 बने ना, सर डरने की जरूरत नहीं है इससे, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है, अंदर घुस रही है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये वाली उंगली, ये मैग्नेटिक फील्ड की उंगली है ना, मुझे ऐसे रखनी पड़ेगी इस बार बोर्ड की तरफ, तो मैं आपकी तरफ आके खड़ा हो जाता हूं आपके साथ, ठीक है, ऐसे रहेगी ये उंगली, बोलो आया ना समझ में, ऐसे रहेगी उंगली, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं पॉजिटिव वाले की, पॉजिटिव वाला कोई भी हो सकता है, इनमें से करंट भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, बढ़िया नहीं स्पेसिफाई कर रखा तो। अच्छा इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है?
अगर ये इधर जा रहा है तो करंट किधर जा रहा है? करंट भी इधर ही जा रहा होगा, हा या ना? करंट की भी यही डायरेक्शन होगी, हा या ना? और अगर करंट की ये डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में मैंने उंगली निकाल ली, और फील्ड क्या ऊपर है? नहीं, फील्ड तो अंदर है। अपने आप देखो अंगूठा कहां चला गया, ऊपर चला गया, यह भी ऊपर चला गया, है ना? फोर्स ऊपर, ऐसे कर रहा हूं, फोर्स ऊपर, तो यह भी किधर चला गया? ऊपर 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 की तरफ निकल गया। ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को देखो, इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट किधर है? अभी बताया था ना, नेगेटिव पार्टिकल उधर तो पॉजिटिव इधर, उल्टा लेना है आपने, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन उधर तो करंट किधर? करंट मेरी तरफ, ये रहा, ये रहा करंट। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ और ऐसे प्रैक्टिस करो कॉपी पर, देखो कितनी जल्दी याद होगा, तुरंत याद होगा, फटाफट याद होगा, फटाफट समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। करंट मेरी तरफ है, ठीक है ना? फील्ड कहां है? फील्ड तो अंदर है, तो अंदर है तो भाई अंदर की तरफ मैंने उंगली कर दी। अच्छा करंट किधर है? करंट तो मेरी तरफ है। करंट ठीक निकाल रखा है क्या? करंट ठीक निकाल रखा है क्या? नहीं, करंट तो मेरी तरफ होना चाहिए। तो ऐसे ये इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, फील्ड अंदर हो गई, फील्ड अंदर हो गई, करंट मेरी तरफ हो गया। ये देखो, ये करंट मेरी तरफ है, दिख रहा है आपको? करंट मेरी तरफ है। और फोर्स कहां है? फोर्स तो नीचे है, ठीक है, फोर्स तो नीचे है, इसलिए कहां चला गया? यह भी नीचे चला गया, यह भी डूब गया जाके, समझ में आया ना? तो ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है ये, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? कोशिश करना इसी को पीछे जाकर के 10 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड थोड़ा पीछे जाकर के दोबारा से इसको करना, और मेरी सहायता ना लेना, खुद प्रैक्टिस करना इसकी कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है? समझ में आया? इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है ये, लेट्स प्रैक्टिस, मैं नहीं कर रहा, आप करोगे ये, ठीक है? आपने बताना है कि जो ब्लू है, कमेंट में लिखना है, ये जो ब्लू है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? ये जो ग्रीन वाला है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? ये जो रेड वाला है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? इस तरीके से आपने कमेंट करके बताना है मुझको, ठीक है ना? तो ये आपकी जिम्मेदारी, होमवर्क, ठीक है? कमेंट में करना इसको, ओके? सोचना, सोचना कैसे करना है इसको। चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ स्टेट कंडक्टर, भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कहीं ना स्पेसिफिकली दिया नहीं गया एनसीईआरटी के अंदर, तो इसको समझाना पड़ेगा मुझे आपको। देखो ऐसा है, ऐसा है, ज्यादा डीप बातें कर नहीं सकता मैं इसके बारे में। मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तीन केस लेता हूं, केस वन, केस टू, केस थ्री, तीन केस लेता हूं। तीसरे केस में दो केस हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन में, अच्छा तीनों ही केसेस के अंदर ये नीली वाली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई दिक्कत? तीनों केसेस के अंदर ये जो नीली वाली है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? केस वन, केस टू, केस थ्री, तीनों में मैग्नेटिक फील्ड सीधी है, पैरेलल है, यूनिफॉर्म है, कोई टेंशन नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैंने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रख दिया, एक तार रख दी, कंडक्टर क्या होता है, तार ही तो होती है, एक तार रख दी जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ? फील्ड के साथ। कितने एंगल बना रही है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना? दूसरे केस में मैंने इस तार को ऐसे रख दिया, कोई अक्यूट एंगल बना रही है, कोई अक्यूट थीटा एंगल बन रहा है यहां पर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरे वाले केस में मैंने क्या किया, मैंने वायर को ऐसे रख दिया, साथ में ही सुला दिया उसके मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया। इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वैसे मैथमेटिकल वर्ड नहीं है, जनरल भाषा का वर्ड है, तो हम लोग इसको ऐसे ही बोल देते हैं, भाई ये हो गया पैरेलल, ये हो गया एंटी पैरेलल, क्योंकि ये इधर है, ये इधर ऐसे है ना, तो इसलिए एंटी पैरेलल बोल देते हैं। ऐसे होता तो पैरेलल, ऐसे होता तो एंटी पैरेलल, ठीक है ना? तुम लोग मेरे साथ पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, हैं? कमेंट में बताना भाई, मेरे पैरेलल आ गए हो या एंटी पैरेलल ही हो अभी तक, ठीक है ना? साथ हैं या खिलाफ हैं आप, बताएं, बताएं, कमेंट करके बताएं, ठीक है? तो मुझे एक बार बताओ, केस नंबर वन में थीटा, बोले तो एंगल, अरे थीटा नहीं समझते, समझते क्या? थीटा मतलब एंगल बेटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, थीटा मतलब एंगल, एंगल 90 डिग्री है यहां पर, किसके किसके बीच का, समझ गए? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। यहां एंगल कुछ 90 से कम है,
पर जीरो से अधिक है कोई दिक्कत नहीं, यानी ये ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एक्यूट ही हो। ऐसे भी रख दूंगा अगर मैं वायर को तो भी तो कुछ ना कुछ इस तरफ से एंगल बन जाएगा, कुछ ऐसे एंगल बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्ट्यूस एक्यूट की चिंता मत करना आप, ये समझना किसी ना किसी एंगल पर रखा हुआ उसको, 90 नहीं है जीरो भी नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर इस जगह पर तो जीरो डिग्री है, इस जगह पर 180 डिग्री है, बोलो सही है कि नहीं, ऊपर जीरो नीचे 180, ठीक। इन तीनों केसेस के अंदर मैं आपसे यह पूछता हूं मैक्सिमम फोर्स कौन से केस में लगेगी, केस नंबर वन, केस नंबर टू या केस नंबर थ्री, तीनों में से किस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगी, कमेंट करके बताना है, अभी जल्दी से पॉज करो, कमेंट करके बताओ क्या लगता है आपको। आंसर सुनो, आंसर सुनो, आंसर यह है भाई यहां फोर्स मैक्सिमम होती है, इधर फोर्स होती है मैक्स, इधर फोर्स मैक्स तो नहीं होती पर कुछ तो होती है, नॉट मैक्स, मैक्सिमम नहीं होती पर कुछ तो होती है, इधर फोर्स होती है जीरो, ठीक है। अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर को भी ऐसे ही लेटा दो तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, ऐसे रखना पड़ेगा वायर को आपको, तभी तो रूल लगाओगे, ऐसे कैसे रूल लगाओगे वाला, ऐसे रूल लगाओगे ना, ठीक है समझ गए। 10th लेवल पर मैं इतना ही समझा सकता हूं आपको, वैसे ये वेक्टर की बातें हैं, ठीक है ना, आईडीएल साइन थीटा करके आता है इसके अंदर, ठीक है वहां की बातें हैं ये, ओके। तो लॉ पढ़ाना पड़ता है उसके लिए, बायट सेवट लॉ, उसके बाद लॉरेंस फोर्स पढ़ानी पड़ती है, ठीक है, और बहुत कुछ है, ठीक है ना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। तो 12वीं में जाना और आराम से पढ़ना इस चीज को, ठीक है ना, स्पैम मत करना कि सर को कुछ आता वाता नहीं है इसलिए सर कुछ बताते ही नहीं है हमको, बहुत स्पैम मचाते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये 10th क्लास के अंदर पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है पहले भी कि कब फोर्स मैक्सिमम होगी, तो भैया ऐसे फोर्स मैक्सिमम होगी, कब जीरो होगी तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वाले केस में जीरो होगी। आगे बढ़ते हैं, मोटर आ गया है ना, मोस्ट अवेटेड टॉपिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, कह रहा है बिजली दोगे तो काम करेगी, सही बात है भाई, मोटर का स्विच ऑन करोगे तभी तो पानी ऊपर चढ़ाएगी टंकी में, है कि नहीं। अब मोटर काम कैसे करती है, मोटर काम कैसे करती है, मोटर पंखे में होती है ना, जब तक आपने पंखे का स्विच ऑन नहीं करा यानी आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करी, क्या ये घूमेगा, क्या ये मैकेनिकल एनर्जी देगा, नहीं देगा। तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम मोटर का है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ओके बढ़िया। अब सुनो, अब सुनो, इमेजिन यहां एक नॉर्थ पोल रखा हुआ, ऐसा कभी होता नहीं लेकिन कि नॉर्थ और साउथ को हम अलग अलग कर सकें, आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को, ये स्कीमेटिक डायग्राम्स होते हैं इसको, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है ना, एक्चुअली में नहीं होता ऐसा, ठीक है। एक्चुअली में तो आपने एक मोटर तोड़ के देखी होगी तो ऐसा गोल सा मैग्नेट होता है उसके अंदर, है ना, और बटरफ्लाई जैसी कॉइल होती है अंदर, ऐसी एक कॉइल थोड़ी होती है, बटरफ्लाई जैसी कॉइल होती है, ऐसे पूरी फैली हुई फूलों की पंखुड़ियों जैसी कॉइल होती है वो, ठीक है ना, ओके। तो फील्ड कुछ ऐसी है बच्चे, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे ये फील्ड होगी, ये फील्ड होगी। ऐसे में, ऐसी एक फील्ड में मैं एक वायर को लेकर के आया, चलो वायर छोड़ो, मैं एक कॉइल को लेकर के आया, एक कॉइल को लेकर के आया और उस कॉइल के अंदर मैंने करंट चालू कर दिया, सिर्फ इस वायर की बात करना, अभी मैंने यहां से करंट चालू किया, इधर से वो पूरा घूम के आएगा, आएगा रुक जाओ, यहां से ऊपर जा रहा करंट, यहां से ऊपर जा रहा करंट, इधर फील्ड है, फोर्स बताओ किधर लगेगी, फोर्स बताओ किधर लगेगी, लगाओ लेफ्ट हैंड रूल, ये देखो लग गया, करंट कहां है, ऊपर, फील्ड कहां है, इस तरफ, फोर्स कहां लगेगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ, यानी इस वाली तार पर, पर्टिकुलरली इस वाले एज पर फोर्स लगेगी क्रॉस में, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, हां या ना। और यही करंट जब घूम करके यहां से राइट होगा और यहां से नीचे होगा, ऐसे आएगा तो करंट आ जाएगा नीचे, फील्ड होगी उधर, तो फोर्स कहां लगेगी, आपकी तरफ, हां या ना, फोर्स लगेगी आपकी तरफ, तो भाई तुम्हारी तरफ फोर्स लगेगी तो डॉट में लगेगी, डॉट का मतलब आउटवर्ड लगेगी। अब एक बात सोचो, अब एक बात सोचो कि कोई ऐसी फिगर है इस तरह की, रेक्टेंगुलर फिगर है जिसमें एक साइड पर, एक साइड पर इनवर्ड फोर्स लग रही है और दूसरी साइड पर आउटवर्ड फोर्स लग रही है,
यानी एक तरफ अंदर की तरफ, एक तरफ बाहर की तरफ, तो ये पलटी मार देगा, ये फ्रेम पलट जाएगा। आप बात समझे, एक हिस्सा अंदर जा रहा है, एक हिस्सा बाहर आ रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा ऐसे किसी ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है, 11th क्लास में जानना जाकर के, ठीक है, किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमना शुरू कर देगा ये घूमेगा, है ना। ये मोटर का प्रिंसिपल है। अभी प्रिंसिपल ऑफ मोटर आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है, लेकिन आप यहां से समझ गए ना बात को कि किस तरीके से मोटर काम कर रही है। उसका एक सिरा अंदर ही जाना चाहिए, एक सिरा बाहर ही आना चाहिए, ठीक है, तो मोटर ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करके घूमती रहेगी और ये कॉइल घूमता रहेगा। इस कॉइल के साथ एक शाफ्ट लगा रखी होती है, रोटर शाफ्ट बोलते हैं इसको, लगा रखी होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बातें सारी है जो कि मैंने करी नहीं है, ठीक है ना। तो ये शाफ्ट लगा रखी होती है, शाफ्ट के साथ आप पंखा जोड़ दो तो पंखा घूमेगा, समझ गए। मिक्सी के नीचे वाला वो जो होता है रोटर बोलते हैं उसको, है ना, मोटर बोलते हैं मिक्सी के नीचे वाली, वो जोड़ दोगे, ब्लेड जोड़ दोगे तो ब्लेड घूमने शुरू हो जाएंगे उसके, गाजर डालोगे गाजर कट जाएगी, है ना, जूस बनाओ जूस बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी कर लो, है ना, टर्बाइन घुमा लो, जो मर्जी घुमा लो यहां से तुम, ठीक है ना। ये जैसे जैसे कॉयल घूमेगा, शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट के साथ साथ घूमेगा, पंखा भी ऐसे चलता है, पंखा भी ऐसे चलता है। एक बार फिर से सुनो, यहां से करंट ऊपर, यहां से करंट नीचे। इधर ऊपर हमने लगाया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मिली अंदर, हमने लगाया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मिली बाहर। एक ही फ्रेम पर, एक ही साथ जब दोनों फोर्स लगेंगी, इनको कपल फोर्सेस बोलते हैं, 11th क्लास, टॉर्क जनरेट होती है इससे, कपल फोर्सेस से टॉर्क जनरेट होती है। लंबी लंबी बातें नहीं बोलूंगा तुम्हारे आगे, ठीक है। तो ये टॉर्क के चक्कर में ये रोटेट कर जाता है कॉइल, आएगा समझ में, फील आई ना। ऐसे प्रिंसिपल होता है मोटर का, इस तरीके से प्रिंसिपल इन सिद्धांतों पर काम करती है, ठीक है। इधर से भी समझ सकते हो आप, एनसीईआरटी की इमेज है भाई ये। अगर करंट यहां से निकला, बैटरी से चला चला चला, तो इधर से चलता हुआ यहां आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, वापसी, वापस वापस वापस, बैटरी में घुस गया। तो ये आपका पूरा हो गया, है ना। अब ये वाला जो कॉइल है, जो अंदर घूम रहा है, एबीसीडी कॉइल, आगे जाकर के जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी एबीसीडी के नाम पे दे रखी है, ठीक है। आप समझ जाओगे, नोट्स आपको मिली जाएंगे आपके अंदर, चिंता मत करना, ठीक है। तो इसलिए एबीसीडी वगैरह नाम दे रखा है, आगे जाकर के एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है इसी स्लाइड के अंदर, वो भी एबीसीडी की दे रखी है, ठीक है। उसको मैं समझाऊंगा नहीं, उसको बस मैंने रखा हुआ है, समझा तो मैं अभी रहा ही हूं आपको कि मोटर कैसे काम कर रही है, ठीक है ना। तो होता क्या है, अब ये फील्ड हो गई नॉर्थ से साउथ, करंट अंदर है नीचे, देख रहे हो, ये करंट वाली उंगली ये अंदर जा रही है, फील्ड उधर है, फोर्स नीचे। तो इस वाले फ्रेम पर फोर्स लगेगी नीचे, और वैसी ही यहां पर फोर्स लगेगी ऊपर, तो ये पलट जाएगा ऐसे करके, अभी ऐसे घुसा हुआ ना, ये पलटे लगेगी इसकी ऐसे, ये सीडी पलट के ऐसे आ जाएगा, सीडी एबी की जगह, एबी सीडी की जगह रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ये, ठीक है। वैसे ये रिंग्स वगैरह का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका काम भी, आगे जाके बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर के रिंग्स का काम क्या होता है। गेरा देखो बेटा, इसमें जो ये रिंग लगी हुई है ना, ये जो आपको यहां रिंग दिख रही है, ये वाली, ये रिंग और ये रिंग, इनको कम्यूटेटर बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स नाम है इनका, लेकिन ये काम करती है कम्यूटेट करने का। कम्यूटेट करने का मतलब होता है पलटी मरवाना, पोलैरिटी चेंज करवाना, ठीक है। देखो बात क्या है, बात यह है कि अगर इसने पोलैरिटी चेंज ना करवाई ना, अगर इसने पोलैरिटी चेंज ना करवाई तो ये मोटर ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे 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 लगातार नहीं घूमेगी, समझ रहे हो बात को, जिस तरह से अभी घूम रहा ना कॉइल ऐसा नहीं घूम पाएगा ये कॉइल, ये ऐसे ऐसे पलटेगा इस तरीके से, ठीक है। तो कम्यूटेटर का काम ये है, कम्यूटेटर का काम ये है कि इसको ऐसे करंट देना हर बार कि ये हमेशा नीचे ही जाए और ये हमेशा ऊपर ही जाए, और इसलिए इसकी पलटी लगती जाए। तो कम्यूटेटर का काम होता है, स्प्लिट रिंग का काम होता, ब्रश का काम मैं आपको बता दूंगा, स्प्लिट रिंग का काम बेसिकली ये है कि ये कम्यूटेटर का काम करता है, यानी पोलैरिटी चेंज करवाएगा, हर हाफ रोटेशन के बाद पोलैरिटी चेंज, हर हाफ रोटेशन के बाद पोलैरिटी चेंज, हर हाफ रोटेशन के बाद पोलैरिटी चेंज। पोलैरिटी चेंज का मतलब होता है पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसा होना बहुत जरूरी है, और तभी ये जो कॉइल है ये रोटेट करता जाता है, ठीक है जी। अब इसमें बात आती है ब्रशेज की,
ब्रशेज की, ये जो एक्स और वाई नाम के ब्रश दे रखे हैं, इन ब्रश का काम केवल और केवल कंडक्शन का है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन का है। ये कंडक्शन करते हैं और ये सिर्फ टच हुए रहते हैं इस रिंग के साथ ना, यहां पर इस रिंग के साथ ये टच हुए रहते हैं, बस टच होते हैं ये। ये कनेक्शन का पार्ट नहीं है, ये सर्किट का पार्ट नहीं बनते, मतलब ये एक मूवेबल पार्ट नहीं बनता, ये इमूवेबल पार्ट है। यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं करता। मूव कौन कर रहा है? आपके सामने है, देख लो, रिंग्स मूव कर रही हैं और कॉइल मूव कर रहा है। कॉइल को आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, ठीक है। अभी नाम आ जाएंगे सबके, आपको दिखा दूंगा, सबके काम भी लिखे आ जाएंगे, वो काम भी पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये तरीका है मोटर के घूमने का। ओके, आगे बढ़ो, ये लिखो प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ऐसा कैसा लिख के आना भाई पेपर में? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ये प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है भाई ये। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सेलरेटिंग फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये पूरा का पूरा रेड दिखेगा ही नहीं आपको। ये पूरा का पूरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही तो है, चेक कर लो, ये और कुछ नहीं है बेटा। अगर आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद हो गया है तो आप प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर लिख दोगे, ये डीसी मोटर का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अगर वो याद हो गया तो एज इट इज यहां पर लिख दोगे। पार्ट्स देख लो कौन कौन है। इंसुलेटेड कॉपर वायर, वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल था जिसको आर्मेचर का नाम मैं दे रहा था, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की है वो, और रेक्टेंगुलर कॉइल जो होता है उसको आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं यहां पर, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है ना। स्प्लिट रिंग्स है, स्प्लिट रिंग वाली जो एसी और एसी थी, जिसका मेन काम है कम्यूटेटर का, ठीक है ना। ये देखो लिखो, इट एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर विच कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। बताया ना मैंने आपको, पोलैरिटी चेंज कर देगी। पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव का नेगेटिव कर देना, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देना, यानी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना करंट की, ठीक है। एक्सल वही है भाई, जो शाफ्ट होती है जो लगी हुई थी उसके अंदर गोल सी, वो एक्सेल है। ब्रशेस आउटसाइड ऑफ द स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड टू कंडक्टिंग ब्रशेस। कंडक्टिंग है तो कंडक्शन ही करेंगे वो तो, लेकिन वो बस टच हो रखे होते हैं, वो मूवेबल सर्किट का पार्ट नहीं है, वो इमूवेबल सर्किट का पार्ट है, ठीक है ना। और बैटरी का काम होता है करंट देना, सोर्स बैटरी का काम क्या है? करंट देना। तो बैटरी जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक करंट नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। ये कुछ एप्लीकेशंस है भाई, ऐसी डाल दी थी मैंने ये फोटो, ठीक है ना। पता है आपको, ये ड्रिल मशीन है, इलेक्ट्रिक टूल है, कोई गार्डन इक्विपमेंट है, सफाई वफाई करने वाला है, है ना। ये वॉशिंग मशीन है, उसके नीचे जो रोटेटर लगा होता है उसमें मोटर होती है, ठीक है ना। और ये तो पंप और कंप्रेसर आपको पता ही है, जो पानी के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है मोटर की एप्लीकेशन। ओके जी, ये लेक्चर टू वाले चैलेंजर क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिनके आंसर होपफुली आप लोग कमेंट में दे ही रहे होंगे। और डिस्कस करते हैं इसको। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट इज जीरो। क्या मैग्नेटिक फील्ड एक लंबे सोलेनोइड के अंदर जीरो होती है? नहीं। डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट इट्स एंड्स एंड नहीं। इंक्रीजेस एज वी मूव, नहीं। इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, अंदर तो सेम ही होती है भाई, किसी भी सोलेनोइड के अंदर, अंदर यहां से यहां, इधर से इधर, मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये खासियत है सोलेनोइड की, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ओके, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, एक स्ट्रेट वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? डी, फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। हर कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर होगा वो वायर ही होगा, समझ गए ना, ठीक है ना। सारे के सारे सर्कल होंगे, सबका सेंटर जो होगा वो वायर ही होगी, वायर पर होगा सेंटर उनका, ठीक है। तो इसका भी डी, इसका भी डी। आगे बढ़े और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आसान लेवल नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का ही लेवल है ये, एनटीएससी लेवल
भी है और एनसीईआरटी लेवल भी है ये, ठीक है? तो ट्राई करना दोनों को और आंसर जरूर लिखना आप लोग डिस्क्रिप्शन के, सॉरी कमेंट्स के अंदर, ठीक है? डिस्क्रिप्शन तो हम लोग लिखते हैं, तुम लोग कमेंट में लिखना। नेक्स्ट एपिसोड में यानी अगले लेक्चर के अंदर ईएमआई पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, है ना, उन्होंने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जैसे ये लेफ्ट हैंड था वैसे ये राइट हैंड है, कंफ्यूज ना करना। मैक्सवेल का थंब रूल था, फ्लेमिंग का फिर लेफ्ट हैंड रूल है जो आज पढ़ा, और फ्लेमिंग का फिर राइट हैंड रूल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के क्वेश्चन। कुछ ईएमआई के इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, राइट हैंड रूल पर भी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। वैसे ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक कट चुका है सिलेबस से सीबीएसई के, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं इसको लेक्चर के अंदर ले रहा हूं, ठीक है ना? बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेंगे, ठीक है? लेकिन इतना जरूर लूंगा कि आपको समझ में आए, होपफुली मोटर जैसा लगेगा ये, क्योंकि ऐसे से ये सिमिलर डायग्राम्स है दोनों के, लेकिन वर्किंग टोटली डिफरेंट है, वर्किंग एकदम अलग है, ठीक है ना? तो बस आज के लिए काफी है फिर, ठीक है? उम्मीद करूंगा आपको लेक्चर समझ में आया। मोटर वाला पार्ट हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो गया हो, थोड़ा खिंच गया हो, या कुछ कम समझ में आया हो, तो एक बार फिर से रिपीट करना वीडियो को, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इंपॉर्टेंट लेक्चर है और रहेगा हमेशा हर साल के लिए, ठीक है? तो आप लोगों को हो सकता है ये रिपीट पर देखना पड़े, ठीक है ना? कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स जो है वो आपको रिपीट करने पड़े इस लेक्चर के, ठीक है? तो करना जरूर, और कॉपी पेन उठा करके प्रैक्टिस करना, उसके बिना टाइम पास बिल्कुल नहीं करना, ठीक है बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।